हाय गाइस, तो ये वीडियो आराम से बैठ के पूरी देखना। आज डिस्कस करेंगे मितेश पटेल जी की स्ट्रैटेजी, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या है उनकी। काफ़ी सिंपल है और लास्ट तक ज़रूर देखना। लास्ट में एक ऐसी टिप दूंगा जो शायद आपको 40,000 का कोर्स भी टिप नहीं बता सकता। ऐसी चीज़ बताऊंगा आपको मैं जो कि बहुत हेल्प करने वाली है। बट पहले चलते हम स्ट्रैटेजी में। देखो, आज हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे मितेश पटेल जी की, एक स्ट्रैटेजी, एक उनका माइंड सेट। ठीक है, आप कितनी मर्जी वीडियो देख लो, मैं छोटी सी वीडियो बनाऊंगा उसमें सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा आज। सबसे पहले तो चलते हैं स्ट्रैटेजी पर। अब वो एक तरह से डायरेक्शनल सेलर है और नॉन डायरेक्शनल सेलर दोनों हैं। उनकी कोई फिक्स स्ट्रैटेजी नहीं है कि स्ट्रैडल बेचूंगा स्ट्रैंगल बेचूंगा, मार्केट के साथ चलते हैं। जैसे लोग कहते हैं ना मार्केट डायनामिक है, वैसे वो भी डायनामिक है। वो रेंज में है तो रेंज बेचते हैं, ब्रेकआउट हो रहा है तो ब्रेकआउट बेचते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ब्रेकआउट बेचना कैसे सीख सकते हो आप, उसमें क्या तीन चीज़ें आपको देखने वाली। देखो, सबसे पहला होता है प्राइस एक्शन, दूसरा वो देखते हैं वॉल्यूम, तीसरा वो देखते हैं ओपन इंटरेस्ट। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये 29 जुलाई का चार्ट है, ये हाई था, डे हाई बना, दूसरी बार बना, तीसरी बार ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट आया तो क्या, वॉल्यूम थी, वॉल्यूम थी, ब्रेकआउट आया, दो पॉइंट हो गए। आप जाओगे 17,000 की पुट पे। अब 17,000 की पुट क्यों, पहली बात तो क्योंकि हमारे को एक रेंज दिख रहा है ना नीचे। पहले जब नीचे गई थी मार्केट, उसने 17,000 से सपोर्ट लिया है 17,080 से, तो ये एक रेंज है। ठीक है, तो आप इस रेंज के नीचे वाली कोई भी पुट सेलेक्ट कर सकते हो, 16,500, 17,000, 16,800, कोई मर्जी। आपने 17,000 की पुट सेलेक्ट करी, मान लो। अब आप गए पुट पे, आपने देखा ओपन इंटरेस्ट कि कितने कॉन्ट्रैक्ट खुले हैं, और आप देख रहे हो कि कॉन्ट्रैक्ट बंद ही नहीं हो रहे कॉन्ट्रैक्ट्स। जब कॉन्ट्रैक्ट बंद नहीं हो रहा मतलब स्ट्रॉन्ग है ना वो एरिया, तो आपने यहाँ पुट बेची। यहाँ पुट बेचने के बाद क्या है, प्रॉफिट है कि नहीं है, ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो वो क्या चीज़ देख रही है, वॉल्यूम, ओ आई, प्राइस एक्शन। अब मैं बताता हूँ गलती कहाँ होती है। लोग सोचते हैं प्राइस एक्शन में एक ही दिन में सीख लूँगा, एक महीने में सीख लूँगा। भाई कोई भी चीज़ का प्राइस एक्शन, वो कोई मर्ज़ी स्टॉक हो, कोई मर्ज़ी हो इंडेक्स हो, जितना आप उसको देखोगे ना उतना ही आप उसको बता पाओगे कि ये कैसे चलता है। हर स्टॉक का एक स्टाइल होता है, हर इंडेक्स का एक स्टाइल होता है। बैंक निफ्टी का अपना स्टाइल है, निफ्टी का अपना है, रिलायंस स्टॉक का अपना स्टाइल है। कोई भी स्टॉक को ट्रैक कर लेना, कोई स्टॉक 15% तक रैली देता है, कोई 7% देता है, कोई 5% देता है, ये तो आपको मेहनत कर कर ही पता चलेगा। ठीक है ना, तो ये बिना एक्सपीरियंस में तो कुछ भी नहीं हो सकता। कोई मर्जी आके आपको स्ट्रैटेजी बता ले, कुछ मर्जी बता ले, एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं दूसरी चीज़ पे, उनका माइंड सेट। अगर आप उनको फॉलो करते हो या उनकी वीडियोज़ देखते हो या कुछ भी कभी आपने नोटिस करा हो, तो काफ़ी अग्रेसिव है वो। बट ये नहीं है कि पूरा दिन अग्रेसिव बैठे रहते हैं। अग्रेसिव होते हैं सिर्फ तब जब एक अच्छी रेंज का ब्रेकआउट आता है। ऐसा नहीं है कि 5-5 मिनट का ब्रेकआउट आया और वो अग्रेसिव हो गए। पहली बात तो वो 3 मिनट का चार्ट ट्रैक करते हैं, बट 3 मिनट के चार्ट में एक ही दिन के हाई तो टूट रहे हैं। यहाँ पर अग्रेसिव होने वाला कोई इच्छ नहीं है। यहाँ पर आप नॉर्मल ट्रेड ले सकते हो, बट अग्रेसिव नहीं हो सकते। अग्रेसिव हो गया आप जब आपको एक बड़ी रेंज का ब्रेकआउट मिलेगी 10 दिन से इसी लेवल के नीचे, तो और आज जाकर टूटा है। ठीक है, दूसरी बात, अग्रेशन आता कैसे है? अग्रेशन आता है प्रॉफिट देखने के बाद। एक बंदा जो पहली लॉस में है वो क्या अग्रेसिव होगा यार, जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, जिसने लॉस ही देखे हैं, वो अग्रेसिव नहीं हो सकता। आप धीरे धीरे कदम चलो, पहले अपने आप PNL को ग्रीन करो, कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर, एक वो लाओ, क्या बोलते हैं कि मैं कर सकता हूँ वाली बात, उसके बाद आप जाके अग्रेसिव हो सकते हो। ठीक है, तो मैंने तो यही सीखा अभी तक उनकी जितने भी सारे सेमिनार वेमिनार जो भी सब कुछ देख दूख के। बट अब चलते हैं, अब बात करेंगे अपना, मैं आपको जो टिप देने वाला था। तो टिप ऐसी है, प्राइस एक्शन सीखने के लिए एक बुक बता रहा हूँ, वो बुक पढ़ लेना। स्टीव नेल्सन की बुक है कैंडल स्टिक्स, 4,000 रुपये की बुक है, इंटरनेट पे फ्री मिलती है, हल्की सी ब्लर है, 4,000 मत खर्चो, ब्लर वाली बुक पढ़ लो। लेकिन वो बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है। एक दो वीडियोज भी बनाई है मैंने उस बुक के ऊपर, बट वो बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है आपकी। मतलब प्राइस एक्शन मैं कह रहा हूँ, आप पढ़ते ही आप कहोगे मैंने बहुत अच्छी चीज़ पढ़ ली। पहले 10 पेज में आप कहोगे थैंक यू, आप वीडियो के नीचे आके थैंक यू लिखोगे। कैंडल स्टिक्स के ऊपर है वो, तो मैं रेकमेंड करूँगा वो ज़रूर 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 पढ़ना भाई। और यही स्ट्रैटेजी उनकी सिंपल है, बट काम सिर्फ एक्सपीरियंस के साथ करेगी, हर बड़ाट में काम नहीं करती। ठीक है, थैंक यू।